तो दोस्तों आप लोग कहते हो कि हम लोग YouTube पे वीडियोस डाल डाल के थक गए हैं, लेकिन हमारी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ ही नहीं आते हैं, लोग हमारी वीडियोस को वॉच ही नहीं करते हैं, हमारी वीडियोस वायरल नहीं होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों की वीडियोस कैसे वायरल होंगी जब तक आप लोग अच्छा थंबनेल नहीं बनाओगे। तो दोस्तों YouTube YT स्टूडियो के अंदर आपको खुद बता रहा है कि यार आप लोग कैसा थंबनेल बनाओ जो लोग आपके थंबनेल को देख के आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करें और आपके ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे व्यूज़ आएं। तो दोस्तों फटाफट से मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसे YT स्टूडियो के अंदर यूट्यूब वाले खुद बता रहे हैं कि आप लोग खुद अपने थंबनेल को एक्सेस करो, जज करो और फिर जो है ना अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाओ, क्योंकि अगर आपकी वीडियोस के ऊपर अच्छे व्यूज़ आने हैं ना तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा दारोमदार जो है वो आपके थंबनेल का होता है, क्योंकि व्यूवर्स के पास सबसे पहली चीज़ जो आपकी जानी है वो आपका थंबनेल जाना है। थंबनेल को देख के व्यूवर ने डिसाइड करना है कि उसने आपकी वीडियो को वॉच करना है या नहीं करना। तो मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो मैंने अपना जो है ना वो चैनल ऑन किया है, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लो, ठीक है जी, ये आ रहा है न्यू डाटा स्टोरी फॉर यू टॉप टिप्स फॉर योर थंबनेल्स, ठीक है जी। आपके थंबनेल्स के लिए यूट्यूब आपको खुद टिप्स दे रहा है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, YT स्टूडियो को ओपन करते हो, व्यूज़ देखते हो, सब्सक्राइबर देखते हो, वॉच टाइम देखते हो और बंद कर देते हो। आप लोग YT स्टूडियो को समझते ही नहीं हो, ठीक है जी। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि थंबनेल्स हेल्प व्यूवर्स चूज यू, कि थंबनेल जो है ना वो व्यूवर्स को मदद करते हैं कि वो आप लोगों को चूज करें, आप लोगों की वीडियोस देखें। लेट्स सी हाउ योर थंबनेल्स आर डूइंग। तो आए देखते हैं कि आपके थंबनेल जो है वो कैसे काम कर रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसको स्वाइप करेंगे, उसके बाद दूसरी ऑप्शन है दीज थंबनेल्स आर वर्किंग वेल। तो ये तीन थंबनेल्स यूट्यूब मुझे बता रही है कि ये जो तीन आपके थंबनेल है ना ये बड़े अच्छे जो है ना वो वर्क कर रहे हैं, इन वीडियोस के ऊपर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। और आप लोगों को बताया जा रहा है कि इसी तरह के थंबनेल्स भी बनाने हैं मज़ीद आगे। तो यहाँ पे ये मेरे जो है ना वो चैनल से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसी तरह आपके चैनल से रिलेटेड जो होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है। तो यूट्यूब खुद बता रही है कि ये वाले थंबनेल आपके अच्छे चल रहे हैं और इसी से मिलते जुलते थंबनेल मज़ीद आगे बनाओ ताकि वो भी अच्छे चलें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं जी हेयर्स हाउ टू गिव योर थंबनेल्स एवरी चांस टू शाइन। वो कह रहा है कि जी YouTube यहाँ पे मौजूद है, YouTube है जो कि आपके थंबनेल्स को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा चांस दे रही है शाइन करने का, आगे बढ़ने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है जी मेक श्योर दे आर क्लियर एंड ईजी टू रीड। मेक श्योर करो कि आपके ये जो थंबनेल्स हैं ये क्लियर और ईजी टू रीड होने चाहिए। तो ये यहाँ पे आपने खुद असेस करनी है एज ए व्यूअर कि अगर इस तरह के थंबनेल आपके सामने आएंगे तो वो ईजी टू क्लियर है और ईजी टू रीड है, ठीक है। तो अगर आपके सामने इस तरह के थंबनेल आते हैं तो क्या आप उसको क्लिक करते हो, ये आपने खुद असेस करना है। नीचे बता रहा है जी थंबनेल्स चेंज साइजेस ऑन डिफरेंट डिवाइसेस सो यूज हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड टेक्स्ट, ठीक है। वो कह रहा है कि थंबनेल जो है ना वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर उसके साइजेस जो है ना वो चेंज होते हैं, सो इसलिए जो है ना वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और टेक्स्ट का आपने इस्तेमाल करना है इसको क्लियर और ईजी टू रीड बनाने के लिए, ठीक है। कितनी अच्छी और कितनी बड़ी टिप्स जो है ना वो यूट्यूब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है खुद। आगे चलते हैं स्टैंड आउट नेक्स्ट टू अदर थंबनेल्स। कुछ अदर थंबनेल्स पे भी जो है ना वो आपको बता रहा है, इसमें जो है ना वो कुछ आपके अपने थंबनेल्स होंगे, कुछ आपके कुछ ऐसे चैनल्स के थंबनेल होंगे जो आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ मेरे हैं, कुछ मेरे व्यूवर जो और दूसरे टॉपिक्स देखते हैं यूट्यूब पर कुछ उनके हैं। योर थंबनेल्स शुड प्रीव्यू योर वीडियोज एंड स्पार्क क्यूरिसिटी, ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट आगे करते हैं, स्वाइप करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर टू, कि ये हमेशा आपने ये चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या, फाइंड योर स्टाइल, ठीक है जी। अपना स्टाइल जो है ना वो आपने एक बनाना है,
फेमिलियर कलर्स फेसेस एंड फॉन्ट्स हेल्प व्यूअर्स रिटर्न टू योर चैनल। वो कह रहा है कि कलर्स फेसेस और फॉन्ट्स ऐसे जो कि फेमिलियर हों लोगों के लिए, जो कि ज़्यादा यूज़ होने वाले हों, वो जो है ना वो व्यूवर्स को जो है ना वो आपके चैनल पे दोबारा लेके आते हैं। आपने जो फॉन्ट्स या कलर्स यूज़ करने हैं ना अपने थंबनेल्स के अंदर, तो वो फेमिलियर होने चाहिए या कह लो कि वायरल होने चाहिए, जो अच्छे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले होने चाहिए, ताकि जो है ना वो लोग देखें, आई कैचिंग हो, लोग देखें तो लोगों का खुद दिल करे कि यार ये वाली वीडियो पे मैंने क्लिक करके वीडियो को देखना है। कीप इट सिंपल, ठीक है, बिल्कुल कीप इट सिंपल उसको रखना है कि आज ये बोल्ड कलर्स एंड डिज़ाइंस आर कैची, ज़रा बोल्ड से होंगे तो वो कह रहा है कि आई कैचिंग होते हैं, कैची होते हैं, बट टू मच इज़ ओवरवेलमिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल्ड ना हो, आँखों को अच्छे ही ना लगें, देखने वाला कहे कि यार ये क्या इतना ज़्यादा बोल्ड कर दिया, इतना भी बोल्ड ना हो, ठीक है। टारगेट योर ऑडियंस, आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, जिस तरह की आपकी पुरानी वीडियोस जो अच्छी चल रही है उसी तरह की वीडियोस आपने बनानी है, ठीक है, ताकि जो है ना वो आप अपनी ऑडियंस को भी टारगेट कर सकें। उसके बाद एंड में वो कहता जी वांट मोर वॉच फॉर मोर वेज टू बूस्ट योर थंबनेल्स, ठीक है जी, तो ये वही है कि आप लोग जो है ना वो ये वीडियो छोटी सी होगी तो इसको देख के मज़ीद जो है ना वो आप लोग सीख सकते हो, लेकिन YouTube ने जो है ना वो आपको इस अपडेट में अच्छे तरीके से सारा कुछ सिखा दिया। अगर आप लोग भी इस तरीके के साथ अपने थंबनेल्स को बनाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वीडियोज़ भी वायरल होंगी, लोग आपकी वीडियोज़ के ऊपर भी क्लिक करेंगे और आपकी वीडियोज़ पर भी अच्छे से अच्छे व्यूज़ जो है ना वो आएंगे। तो होपफुली मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से और डिटेल से समझा दिया है, तो वीडियो को करते हैं ख़त्म। लेकिन ख़त्म करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो ना तो यार वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के अमेजिंग अमेजिंग कॉन्टेंट का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई वलीद भट्ट को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।